जम्मू कश्मीर के डोडा में मकानों में दरार आ गई है और पिछले 24 घंटे में 21 से ज्यादा इमारतों में दरार आ चुकी है। एक मकान धराशायी भी हो गया है। देखिए जरा तस्वीर किस तरह से है। जिन मकानों में दरारें आई हैं इनमें रिहायशी इमारतें, स्कूल, मस्जिद शामिल है। हिमालय दरक रहा है। पहले आपको पता है जोशीमठ उत्तराखंड का, फिर हिमाचल का मंडी और अब जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका। मकानों में दरारें आने से लोगों में दहशत का माहौल है, निराशा भी है कि जिस घर को बनाने में जिंदगी की कमाई लगा दी वही घर अब उन्हीं के सामने ठह रहा है। तीन तस्वीरें इस वक्त सब मौजूद है जिला डोडा के ठाठरी के मुकाम पे, जो कि नई बस्ती है। यहाँ पे तीन दिन से यहाँ पे मकानों में दरारें आने शुरू हो गई थी और कल रात से इसमें काफ़ी शिद्दत पैदा हुई है और कल रात को 6 मकान टोटल डैमेज हो चुके हैं जो गिर चुके हैं। इसके अलावा 15 जिनमें काफ़ी दरारें आ चुकी हैं। तो उत्तराखंड की जो शिमत की तरह यहाँ पे भी मकानों में ऐसा ऐसा दरारें आनी शुरू होगी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ के जो हालात अभी हैं, ये देखिए एक मकान बिल्कुल टोटल गिर चुका है। उसके अलावा इस इलाके में बाकी भी जो मकान है वो भी गिर चुके हैं और लगभग 15 मकान ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दरारें आई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे इस इलाके में लोगों में एक खौफ है। जिसे जो इन घरों में रहते थे वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। जिला इंतजाम ने इन आवाम के लिए जो इन मकानों में रहते थे, जो परेशान थे, उनको यहाँ से शिफ्ट किया है, उनके लिए इंतजाम किए हैं और उनको यहाँ से सेफ जगह पे ले गए हैं। इस दौरान जिला इंतजाम ने रिक्वेस्ट की और दिल्ली से नेशनल जियोलॉजी माइनिंग की एक टीम निकल चुकी है जो कि ठाठरी पहुँचने वाली है और जब वो यहाँ पहुँचेंगे वो यहाँ का मुआयना करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पे किस वजह से ये दरारें आनी शुरू होगी और ये एरिया क्यों धंस रहा है।